उसके बाद हमने यहाँ पे करा है, ये रहा हमारा टेक्नो का, इसका स्क्रीन लॉक हमने रिमूव करा है और यहाँ पे ये सब सक्सेसफुली जो है हमारा वो हो चुका है। ठीक है, अभी मैं ये सेटअप वगैरह बाद में कर लूँगा, स्किप, इसमें कोई FRP नहीं निकला। ठीक है, ये डन हो गया। उसके बाद हमारे पे जो है ये, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पे जो नेक्स्ट मोबाइल है वो है यहाँ पे रियलमी का, दूसरा हाईएस्ट सिक्योरिटी, इसका हमने स्क्रीन लॉक अनलॉक करा है, रिमूव करा है और ये भी कंप्लीट हो चुका है। एक भी डिवाइस यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसने अनसक्सेसफुल वाली रिपोर्ट दी हो या फिर कोई डिवाइस जो है वो ना हो सका हो। ओके स्टार्ट है। सो गाइस यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, मैंने खुद अपने स्टार्ट करी है रिकॉर्डिंग, और अगर मेरे माइक वगैरह में वॉइस नहीं गई सो रियली मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। सो वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबेर मोबाइल यूट्यूब चैनल, वही सेम डायलॉग। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा टूल शेयर करने वाला हूँ जो कि ऑलमोस्ट फ्री है, विदाउट रिस्की है। विदाउट रिस्की का मतलब ये नहीं कि आप आए नीचे डिस्क्रिप्शन में से लिंक मिला और आप डाउनलोड करो और आप चले गए, वीडियो को कंप्लीट देखा करो, बाद में आप अपना फ़ोन डेड करके लाओगे तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आप कितनी भी बार वीडियो देखो, उसके बाद आप कंप्लीट देखते हो वीडियो, एक बार कट करके देख जाते हो, फिर कुछ प्रॉब्लम होती है दोबारा आते हो, सो आपका डिवाइस नहीं हो पाता है। ठीक है, सो मैं कभी भी अपनी चैनल पे कोई भी ऐसा टूल शेयर नहीं करता जिससे आपको प्रॉब्लम हो। पहले के टाइम में जब मेरे 1000-2000 सब्सक्राइबर थे मैंने कुछ टूल शेयर करे थे, लेकिन आज की डेट में मैं ऐसा कोई भी टूल आपको शेयर नहीं करता कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो। मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट करने के बाद ही मैं कोई टूल शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से बिना SP टूल की मदद से या फिर बिना कोई पेड टूल की मदद से फ्री में ऑलमोस्ट जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको किस टाइप से अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जितना भी एंड्रॉयड का मटेरियल, मतलब कि जितना भी आपके पास कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस हो, सबसे पहले आपको सर्च करना है उसका मॉडल गूगल पे, वहाँ पे जाके लिख देना है लास्ट में CPU टाइप या फिर चिपसेट। अगर आपका फ़ोन निकलता है MediaTek का, सो गाइस अगर आपका फ़ोन निकलता है MediaTek का, सो गाइस MediaTek के जो डिवाइस होगा उसको ही आप कर पाओगे, क्योंकि ये जो टूल है ये MediaTek के लिए ही है, क्वालकॉम में ये वर्क नहीं करने वाला। जिन लोगों को क्वालकॉम में प्रॉब्लम हो रही है और क्वालकॉम का फ्री में करना चाहते हैं बिना किसी टूल के, सो आप हमारे मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर आपको प्रोफेशनल तरीके से बहुत ज़्यादा मोबाइल सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, सो अभी हमारे पे है, ये है रियलमी नर्जो 20 प्रो हाई सिक्योरिटी 2021 का लेटेस्ट डिवाइस है। उसके बाद है टेक्नो, टेक्नो सभी को पता है स्क्रीन लॉक में FRP में सभी में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पे है यहाँ पे वीवो Y91C और यहाँ पे है दूसरा हमारे पे रियलमी नर्जो। तो देखते हैं क्या ये टूल इन सभी मोबाइल्स के लिए वर्क कर पाएगा, क्या ये स्क्रीन लॉक FRP के लिए कैपेबल है भी या नहीं। सो इसका DNA टेस्ट करेंगे टूल का, और टूल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन पहले देख लेना उसके बाद डाउनलोड करना। सो गाइस चलिए मैं आपको इसका अभी प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं। सो गाइस अभी हमारे पास ये फ़ोन है, यहाँ पे देख सकते हो ये है टेक्नो का, इसके अंदर भी स्क्रीन लॉक है। उसके बाद ये है रियलमी का, इसमें भी स्क्रीन लॉक है और FRP है, और ये है डिवाइस। ठीक है, ये हम डेमो वगैरह के लिए बहुत सारे डिवाइसेस रखते हैं बल्क में, लेकिन अभी मैं ऑलमोस्ट ज़्यादा फ़ोन्स पे ट्राई नहीं करवाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन ऑलमोस्ट हमारे पे MediaTek के बहुत क्वान्टिटी में डिवाइस जो हैं अभी पड़े हुए हैं। तो अभी यहाँ पे देखो सिंपली ये सारे मोबाइल हैं, सबसे पहले वन बाई वन ट्राई करेंगे। सबसे फर्स्ट रियलमी का ट्राई करते हैं, उसके बाद दोनों रियलमी के बाद हम वीवो का ट्राई करेंगे। सो पहले आपको सबसे पहले जो MediaTek यूनिवर्सल टूल है इसको डाउनलोड कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पासवर्ड इसका 123 ही मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कर लोगे, एक्सट्रैक्ट के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहला एक ही काम करना है, यहाँ पे टूल्स के ऑप्शंस पे जाना है, ड्राइवर पे जाना है। अगर आपकी विंडो होगी 64 बिट तो 64 बिट का इंस्टॉल कर लेना है, 32 बिट होगी तो 32 बिट का इंस्टॉल कर लेना है। ये आपको ज़रूर इंस्टॉल करना है, अगर ये इंस्टॉल नहीं होता है तो आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। सबसे पहला तो आपकी जो विंडो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। एक तो ऑलमोस्ट जितने भी मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करने वाले हैं सबकी विंडो बहुत ज़्यादा वायरस वाली और बहुत मतलब ओरिजिनल विंडो नहीं चलाते हैं बाकी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फॉर्मेट डाटा पे मैंने क्लिक करा, सिंपली यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं अभी इस टूल की बात नहीं करूँगा, मैं सिंपली बात करूँगा FRP और स्क्रीन लॉक की। यहाँ पे आपको सेव फॉर्मेट का भी ऑप्शंस मिल जाता है, कई डिवाइसेस में हमारी जो सेव फॉर्मेट की जो फाइल होती है वो मिस्क फोल्डर में होती है, कई बार पारा में होती है, सो ये आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर ये सेव फॉर्मेट वर्क नहीं करेगा तो आपका डाटा लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये भी ट्राई कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको इरेज FRP सैमसंग MediaTek पोर्ट के अंदर है। ठीक है, आप कुछ और मत समझना इसको। उसके बाद यहाँ पे इरेज MI अकाउंट और बहुत कुछ मिल जाता है डेमो वगैरह के लिए, लेकिन अभी हम सिर्फ फॉर्मेट और FRP वगैरह की बात करेंगे। सिंपली फर्स्ट आपको FRP डाटा फैक्चरी रिसेट पे मार्क लगा देना है,
उसके बाद आपको स्टार्ट बटन दबाना है। मैं अभी फ़ोन अपना ऑफ कर लेता हूँ, ये रहा रियलमी का, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो है वो है अभी स्क्रीन लॉक। तो देखिए फ़ोन जो है वो ऑफ हो चुका है। उसके बाद सिंपली हमने स्टार्ट बटन यहाँ पे दबा रखा है, स्टार्ट बटन पे ऑलरेडी क्लिक कर दिया है। डिवाइस मैनेजर में भी मैं आपको जाके दिखा दूंगा कि आपका पोर्ट आना चाहिए, अगर आपको पोर्ट वगैरह नहीं आ रहा है सो गाइज़ अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए या तो ड्राइवर की प्रॉब्लम सॉल्व करो। ड्राइवर की प्रॉब्लम नहीं आती है तो पहले काम सीखो मोबाइल सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सो यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस मैंने प्रेस करा, और उसके बाद ये सिंपली जैसे ही मैंने डाटा केबल लगाई, और यहाँ पे देखो फ़ोन जो है हमारा वो डिटेक्ट हो चुका है। डिटेक्ट के बाद ये यहाँ पे सेंडिंग डीए कोड वगैरह कुछ इस टाइप से चलेगा, लास्ट में आपको सक्सेसफुल करके मैसेज आएगा जब सब कुछ डन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है ऑपरेशन कंप्लीटेड, ठीक है, ऑपरेशन कंप्लीटेड यहाँ पे हो चुका है। सो अभी जो हमारा फ़ोन है वो मीडियाटेक पोर्ट से जो है वो बाहर आ चुका होगा। इसको चेक करने के लिए मेरे को सिंपली यहाँ पे मैंने डाटा केबल लगाई, वापस से मैं डाटा केबल लगाऊंगा तो यहाँ पे चार्जिंग शो करनी चाहिए, मतलब कि ये अभी मीडियाटेक पोर्ट में स्टक नहीं है। इन केस अगर आपके बीच में डाटा केबल हिल जाती है या फिर आपका फ़ोन जो है वो मीडियाटेक पोर्ट में रह जाता है, तो आपको पावर की और वॉल्यूम माइनस की एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड तक दबा के रखनी होती है, या फिर आपको तीनों बटन 10 से 15 सेकंड तक दबा के रखने होते हैं। फिर भी नहीं होता तो बैटरी निकाल के पावर की प्रेस करना है, वापस से बैटरी लगा के पावर ऑन करना है। ऐसा 1% केस में हो सकता है, बाकी ज़रूरी नहीं है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इसका जो है फॉर्मेट डाटा वो डन हो चुका है, ठीक है। देखते हैं कितनी देर ये फ़ोन लेगा ऑन होने में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट भी रियल मी का है, और सिंपली ये रहा रियल मी का दूसरा डिवाइस, इसको भी सेम करना है। सो अभी मैंने फॉर्मेट डाटा पे एक यहाँ पे मार्क लगाया, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, कनेक्ट कर देता हूँ वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ओके, ये अभी फ़ोन जो है ये ऑलरेडी ऑन है। अगर ऐसे भी आप डायरेक्ट मीडियाटेक पोर्ट में ले जा सकते हो, ऐसे ले जाने के लिए आपको सारे बटन एक साथ दबा के रखने पड़ेंगे। आपका फ़ोन जैसे ही ऑफ होगा, ऑफ हो के जैसे ही ऑन होगा तो मीडियाटेक पोर्ट में अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ़ोन जो है हमारा ऑफ हुआ, ऑफ हो के अभी मीडियाटेक अपने आप ही पोर्ट यहाँ पे जो है वो आ चुका है। सो यहाँ पे डीए इन्हें एनालाइज़ करी, उसके बाद यहाँ पे प्रीलोडर मैच करके जो भी हमारी जीपीटी के इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है। सो गाइस पहले अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स ज्वाइन करते हो, सबसे पहला आप सिर्फ इतनी छोटी मोटी कोडिंग किसी भी टूल में समझ के आप सारा काम समझ पाओगे, क्या होते हैं पार्टीशंस, क्या होते हैं जीपीटी, कौन सा यूज़र का पार्ट, मतलब ए से लेके जेड तक किसी भी टूल में काम करोगे तो आपको पता भी होगा कि एक्चुअल में ये अनलॉक हो कैसे रहा है, टूल में प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। बहुत कुछ आप जान पाओगे अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स में ज्वाइन होते हो। यहाँ पे ये भी हमारा फ़ोन जो है वो डन हो चुका है, यहाँ पे आ गया कंप्लीट ऑपरेशन। उसके बाद यहाँ पे देखो मीडियाटेक का पोर्ट आ रहा है, इसको भी सेम करेंगे रियलमी वाले में, ये ज़रूर करना, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक बहुत ज़्यादा लंबा है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डाटा केबल निकाल के वापस से डाटा केबल लगानी है, डायरेक्टली ऑन मत करना फिलहाल के लिए, ठीक है, याद रखना रियलमी वाले फ़ोन में स्पेशली। लॉजिक अगर आप वीडियो नहीं देखी होगी तो इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते आपका, ठीक है। यहाँ पे चार्जिंग शो कर रही है, उसके बाद आपको यहाँ पे पावर की प्रेस करके रखना है और फ़ोन जो है आपका वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है वो ऑन होने लग रहा है, तो यहाँ पे दोनों हमने रियलमी का डन कर दिया है। मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, उसके बाद ट्राई करेंगे अपना वीवो का, वीवो में ट्राई करते हैं। सेफ फॉर्मेट में आपको ट्राई नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि अभी हमारे पे सेफ फॉर्मेट का टाइम नहीं है, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। मेरे बताने का मतलब यह है कि ये टूल सभी मीडियाटेक डिवाइसेस के लिए वर्किंग में है और विदाउट रिस्क की है, ठीक है। फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करा, उसके बाद स्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक करा, वेटिंग डिवाइस आ रहा है, और अभी मैं सिंपली वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके डाटा केबल लगाऊंगा। अब आप बोलोगे भाई वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट मीडियाटेक में पोर्ट चले जाता है, ऐसी बहुत सी बहुत टाइप की कमेंट आती है। सो गाइज लॉजिकली पता होना चाहिए आपको कि क्या ज़रूरत है वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके डाटा केबल लगाने की, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन कंप्लीटेड आ चुका है, यहाँ पे देखो जस्ट वन क्लिक करते ही कितनी स्पीड में काम हो रहा है। यहाँ पे हमारा ये वाला फ़ोन भी डन हो चुका है, इसको मैं डायरेक्ट ऑन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रियलमी के साथ मैंने ऐसा क्यों करा, इसके पीछे बहुत ज़्यादा लंबा लॉजिक है। मैंने सिंपली इसको ऑन कर दिया, यहाँ पे अभी हमारे तीन डिवाइस डन हो चुके हैं। उसके बाद सिंपली आता है टेक्नो का नंबर, टेक्नो का डिवाइस भी मैं ऑफ कर लूँगा और इसको भी
यहाँ पे देखो मैं कोई भी मॉडल वगैरह सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, वेटिंग डिवाइस आ गया। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके और डाटा केबल लगा देंगे, ठीक है। फ़ोन हमारा यहाँ पे ये भी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा MediaTek का पोर्ट आया था लेकिन ये डिटेक्ट नहीं कर सका, अगेन ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने डाटा केबल लगाई, फ़ोन डिटेक्ट नहीं हुआ, अगेन कनेक्ट करेंगे वॉल्यूम प्लस माइनस और उसके बाद डाटा केबल, ठीक है। फ़ोन हमारा डिटेक्ट हो चुका है और यहाँ पे ब्रोम आ गया और सक्सेसफुल डी ए वगैरह जो इसको इन्फॉर्मेशन चेक करनी थी वो चेक करके ऑपरेशन कंप्लीटेड। तो यहाँ पे मैंने जितने भी डिवाइसेस थे अभी हमारे पास वो मैंने कर दिए हैं और सिंपली अभी मैं डाटा केबल निकालूंगा, वापस से डाटा केबल लगाऊंगा, चार्जिंग शो करवा के इसको ऑन करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है फ़ोन में ऑन कर देता हूँ अब, तो यहाँ पे अभी हमारे जितने भी फ़ोन थे वो सारे के सारे कनेक्ट सारे के सारे डन हो चुके हैं और सिर्फ इसी टूल से अभी सब कुछ आपके सामने जो है वो डायरेक्ट लाइव चल रहा है, कोई कटपिट नहीं है। यहाँ पे सबसे पहली बात कि मैंने रियलमी वाले डिवाइस को आखिर मैंने रियलमी वाले डिवाइस को चार्जिंग पे लगा के क्यों ऑन करा, मतलब कि पहले डाटा केबल कनेक्ट करी फिर चार्जिंग शो हुई उसके बाद क्यों ऑन करा। फर्स्ट कि ये जो फ़ोन है वो MediaTek पोर्ट में अटका रहता है रियलमी के खास तौर पे, उसके बाद आप क्या करते हो, या तो पावर की प्रेस करते हो, पावर की से ऑन नहीं होता है, सो आप क्या करते हो वॉल्यूम माइनस और पावर की एक साथ प्रेस करते हो। सो यहाँ पे रीज़न क्या है, जब आप वॉल्यूम माइनस और पावर की एक साथ प्रेस करते हो सो आपका डिवाइस रिकवरी में आ जाता है, ठीक है, रिकवरी में। और ख़ास तौर पर जब आपने फॉर्मेट कराओ तब आपको अपना डिवाइस रिकवरी में रियलमी का नहीं लेके जाना होता है, क्योंकि ऐसा करने पर आपके साथ प्रॉब्लम होगी कि आपके नीचे यहाँ आपकी साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जब आपका फ़ोन ऑन होगा तो नीचे रिकवरी का ऑप्शन आएगा और वो अटक जाएगा बहुत देर तक के लिए। तो आप सोचोगे कि हमारा फ़ोन जो है वो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा देर ले लेता है वो, 15, 20, 30 मिनट तक ले लेता है, लेकिन फ़ोन ऑन हो जाता है फाइनली एक दो बार ऐसा करने पर, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना था और ना हमें इतना टाइम लगाना था, ठीक है। सो यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड, यहाँ पे हमारा फ़ोन पहला यहाँ पे डन हो चुका है, उसके नीचे भी बहुत जितने फ़ोन हैं सब में देखेंगे क्या ये भी स्पार्क आ रहा है, ठीक है। इस वाले डिवाइसेस में क्या था, यहाँ पे इसमें एफ आर पी मिल गया है, ठीक है, हमें अगर मैं इसको स्किप करूँगा तो यहाँ पे एफ आर पी है। अब इसके साथ साथ हमारा एफ आर पी भी टेस्ट हो जाएगा, क्या ये एफ आर पी भी रिमूव कर पाएगा या नहीं, ठीक है। सो सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक करा इरेज एफ आर पी पे और स्टार्ट बटन पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे वॉल्यूम माइनस प्लस प्रेस करके ये मैंने सिंपली लगा दी यहाँ पे डाटा केबल, ठीक है। ये MediaTek पोर्ट में तो नहीं गया, ये ऑन हो गया, लेकिन अभी दूसरा देखते हैं। ठीक है यहाँ पे हमने इरेज एफ आर पी पे क्लिक करा, उसके बाद फ़ोन दोबारा से MediaTek पे कनेक्ट करा
और हमारा यहाँ पे ऑपरेशन कंप्लीटेड आ चुका है। तो अभी इस डिवाइस में FRP ही मांग रहा था, अब देखते हैं क्या FRP जो है वो रिमूव हो पाया होगा या फिर नहीं। सिंपली मैं इस फ़ोन को ऑन कर देता हूँ और इसको फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और यहाँ पे देखो हमारे जितने भी डिवाइसेस थे ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। ये यहाँ पे वीवो का हो गया, वीवो में नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा वीवो के अंदर भी FRP है। अभी मैं इसको साइड रख देता हूँ, जिसमें FRP है उसको मैं साइड कर देता हूँ, जिसमें FRP नहीं है मैं उसको आपको करता हुआ दिखाता हूँ। अभी हमने इसका FRP बाईपास कराया आपके सामने रियलमी नर्जो का, इसी टूल से देखते हैं क्या इसका FRP रिमूव हो सका है या फिर नहीं। मैंने सिंपली नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा, अगेन नेक्स्ट, उसके बाद स्किप और ये नेक्स्ट। सो गाइज यहाँ पे देखो इसका FRP भी रिमूव हो चुका है। सो ये टूल 100% वर्किंग में है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको कोई भी टूल यहाँ पे नहीं बताता। तो यहाँ पे हमने इसका स्क्रीन लॉक और FRP दोनों ही बाईपास कर दिए हैं। अब जाहिर सी बात है जब इसका हो गया तो ये भी सेम है, इसका भी FRP बाईपास हो जाएगा। मैं इतने इसको लगा देता हूँ, बाकी मैं और सेटअप आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको वापस से ऑफ करूँगा। यहाँ पे मैंने इरेज FRP पे मार कर रखा है, स्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक करा, उसके बाद मैं डाटा केबल लगा दूंगा। ठीक है, मीडिया टेक आया था लेकिन इस टूल ने डिटेक्ट नहीं करा। अगेन दोबारा सेम प्रोसेस ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे डाटा केबल निकाली, उसके बाद वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करा और ये डाटा केबल वापस से लगा दी। यहाँ पे देखो अब डिटेक्ट कर लिया टूल ने, मीडिया टेक का पोर्ट आ गया है। उसके बाद यहाँ पे FRP जो है वो बाईपास, यहाँ पे ऑपरेशन कम्प्लीटेड आ चुका है, यानी कि FRP हमारा रिमूव हो चुका है। तो मैंने इसको डाटा केबल निकाल लेता हूँ, मैं सारे फ़ोन आपको ट्राई करवा देता हूँ किस किस कौन कौन से फ़ोन हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो इसका हमने स्क्रीन लॉक FRP दोनों बाईपास करा, रियलमी नर्जो हाईएस्ट सिक्योरिटी मीडिया टेक का। उसके बाद हमने यहाँ पे करा है, ये रहा हमारा टेक्नो का, इसका स्क्रीन लॉक हमने रिमूव करा है और यहाँ पे ये सब सक्सेसफुली जो है हमारा वो हो चुका है। ठीक है, अभी मैं ये सेटअप वगैरह बाद में कर लूँगा, स्किप, इसमें कोई FRP नहीं निकला। ठीक है, ये डन हो गया। उसके बाद हमारे पे जो है ये, ठीक है यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे हमारे पे जो नेक्स्ट मोबाइल है वो है यहाँ पे रियलमी का दूसरा हाईएस्ट सिक्योरिटी, इसका हमने स्क्रीन लॉक अनलॉक करा है, रिमूव करा है और ये भी कंप्लीट हो चुका है। एक भी डिवाइस यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसने अनसक्सेसफुल वाली रिपोर्ट दी हो या फिर कोई डिवाइस जो है वो ना हो सका हो। अगर आप चाहते हो क्वालकॉम में भी आपको इस टाइप का सॉल्यूशन मिले, क्वालकॉम में भी आपके जो डिवाइसेस हैं वो अनलॉक होने लगे, तो आप मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम आपको ए से लेके जेड तक सीरीज़ भाई बहुत ज़्यादा मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स, मोबाइल सॉफ्टवेयर फील्ड में बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना देंगे। डे बाई डे आपको अपने में इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखेगा। आपको एक एक काम पता होगा कि कोई एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, आपकी विंडो परफेक्ट चलेगी, आपके में कोई एरर नहीं आएगा, ड्राइवर का एरर आपको कभी भी नहीं होगा। कोर्स में ज्वाइन होने के बाद किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हमने इसका जो है FRP बाईपास, FRP अनलॉक करा है वीवो का, और इसका स्क्रीन लॉक इससे पहले करा था, मतलब कि सब कुछ यहाँ पे हमारा जो है वो डन हो चुका है इस फ्री वाले टूल से। ठीक है, सो गाइज हम अपने कोर्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं, जैसे कि फ्लैशिंग हो रहा है हमारा फ़ोन, फ्लैशिंग के टाइम पे हम उसके डाटा केबल निकाल लेते हैं सिर्फ आपको दिखाने के मारे कि जो आपका डर है वो निकल जाए। ऐसी बहुत सारी हम प्रैक्टिकल करते हैं, हमारे पे ऑलमोस्ट कीपैड से लेके एंड्रॉयड फ़ोन का भंडार है जिसके अंदर हम सब कुछ, और ये चेंज, ये सिर्फ सेम फ़ोन नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं, जिसमें हम बहुत कुछ ट्राई करवाते रहते हैं। हम बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत बार अपने फ़ोन को डेड करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर आपको ज़्यादा ही परफेक्ट तरीके से मोबाइल का काम करना है तो आप मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करोगे वहाँ पर आपको हमारा नंबर वगैरह विजिबल हो जाएगा, वहाँ से आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइज़ यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट जितने भी मीडिया टेक के डिवाइसेस थे सारे के सारे करके दिखा दिए हैं।
बाकी अगर आप चाहते हो ये जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी आपको बताया जाए या फिर इनके बारे में भी टेस्ट करा जाए कि ये वर्किंग है या फिर नहीं, सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं आपके, अगर जैसा रिस्पॉन्स होगा उसी टाइप का वीडियो आपको मिलेगी। सो गाइज़ यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।